पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के रहने वाले आसिफ बशीर ने इस साल हज के दौरान सऊदी अरब में एक वॉलंटियर के रूप में काम किया। इस साल हज के दौरान भीषण गर्मी में सैकड़ों हाजियों की मौत हो गई। आसिफ बशीर ने तेज गर्मी से प्रभावित और बीमार हाजियों की देखरेख का फैसला किया। भारत से आए हाजी बशीर को पाकिस्तानी बजरंगी भाईजान कहकर बुलाते थे। बहुत से हाजियों ने तो उन्हें मीना का फरिश्ता तक कहा। इस साल हज के दौरान तापमान 50 डिग्री सेल्सियस के पार चला गया था। सऊदी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक हज के दौरान कम से कम 1301 लोग मारे गए। मक्का में मस्जिद अल हरम के भीतर छायादार जगहों पर भी पारा 50 डिग्री को पार कर गया था। आसिफ बशीर ने जिन हाजियों की जान बचाई उनमें से ज़्यादातर भारतीय थे। भारत सरकार ने भी उनकी ईमानदारी, बहादुरी और मानवता की भावना के लिए उन्हें धन्यवाद कहा है। आसिफ बशीर को लिखे पत्र में भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, आपकी वजह से मीना में भारतीय नागरिकों सहित कई लोगों की जान बची। आपकी बहादुरी को हमेशा याद रखा जाएगा और कई लोग आपके नक्शे कदम पर चलेंगे। आसिफ बशीर के मुताबिक सऊदी अरब में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास के दूत ने उनसे कहा है कि वो उन्हें भारत के जीवन रक्षा पुरस्कार के लिए नामित भी करेंगे। बीबीसी उर्दू से आसिफ बशीर कहते हैं, हज के महीने की 30 तारीख को जब हाजी शैतान को कंकड़ मार कर लौट रहे थे तब मौसम बहुत गर्म था। उस दिन मैंने कई लाशें देखी। इतनी लाशों को देखकर पहले मेरे हाथ पांव फूल गए, लेकिन फिर मैंने और मेरे साथ काम कर रहे दूसरे वॉलंटियर्स ने लोगों की जान बचाने का फैसला किया। उस वक्त को याद करते हुए आसिफ कहते हैं, मैंने देखा कई हाजी बेहोश हो रहे हैं। हमने मिलकर उनकी जांच शुरू की। जिन लोगों की सांसें चल रही थी हम उन्हें लेकर अस्पताल ले जाने लगे। कुछ लोगों को हम व्हीलचेयर पर अस्पताल लेकर गए तो कुछ को कंधों पर उठाकर। आसिफ बशीर के मुताबिक उस दिन उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर 26 हाजियों को अस्पताल पहुँचाया। इन 26 में से 9 लोगों की मौत हो गई जबकि 17 को बचा लिया गया। इन हाजियों में 16 भारत के नागरिक थे जबकि एक पाकिस्तानी मूल के ब्रितानी नागरिक थे। आसिफ कहते हैं, जब मुझे पता चला कि वो भारतीय नागरिक हैं तो मैंने ये नहीं सोचा कि ये भारतीय हैं या पाकिस्तानी। उस वक्त हमारा मकसद सिर्फ लोगों की जान बचाना था। जब भारतीय हाजियों को पता चला कि एक पाकिस्तानी उनकी मदद कर रहा है तो वो बहुत खुश हुए। वो मुझे पाकिस्तानी बजरंगी भाई कहते थे। आसिफ बताते हैं कि जब भारतीय हाजियों ने मेरे प्रयासों के बारे में आगे बताया तो जिद्दा में भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने मुझे कहा कि वो मुझे भारतीय पुरस्कार जीवन रक्षा के लिए नामित करेंगे। हज के दौरान जब भीषण गर्मी पड़ रही थी आसिफ हाजियों के लिए पानी और ORS भी उपलब्ध करवा रहे थे। आसिफ बताते हैं कि 2 दिनों के भीतर उन्होंने कम से कम 350 लोगों को पानी उपलब्ध करवाया। इस दौरान कई लोगों ने उन्हें एंजल ऑफ मीना यानी मीना का फरिश्ता भी कहा। आसिफ बशीर के पास कई हज यात्रियों के सामान भी रह गए हैं। आसिफ बताते हैं कि जब वह एक भारतीय महिला हाजी को अस्पताल पहुंचा रहे थे तब उसका पर्स उनके ही पास रह गया। आसिफ कहते हैं, इस पर्स में दस्तावेजों के अलावा कुवैती दीनार और संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा भी थी। मैंने वापस लौटकर उस महिला को बहुत खोजा लेकिन वो नहीं मिली। मैं नहीं जानता कि वो जिंदा हैं या नहीं, लेकिन मैं इन चीज़ों को उन्हें लौटाना चाहता हूँ। आसिफ बशीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में मुख्यमंत्री कार्यालय के ई कॉमर्स विभाग में सुपरवाइज़र के रूप में काम करते हैं। हर साल पाकिस्तान सरकार हज के दौरान पाकिस्तानी यात्रियों की देखभाल के लिए सरकारी विभागों में काम करने वाले कर्मचारियों को सऊदी अरब भेजती है। सऊदी अरब में साल 18 लाख लोगों ने हज किया जिनमें से 16 लाख लोग बाहर से सऊदी अरब पहुँचे थे। इस साल हज के दौरान भीषण गर्मी पड़ी। सऊदी अरब सरकार के मुताबिक कम से कम 1301 हाजियों की मौत हज के दौरान हुई। मरने वाले हाजियों में ज़्यादातर ऐसे लोग थे जो बिना पंजीकरण के हज करने गए थे, इस वजह से उन्हें लंबी दूरी पैदल चलना पड़ा था। माना जा रहा है कि साल हज के दौरान सऊदी अरब में हुई मौतों का सबसे अहम कारण भीषण गर्मी ही थी। सऊदी अरब सरकार ने हाजियों को गर्मी से बचाने के इंतज़ाम किए थे और दिशा निर्देश भी दिए थे, इसके बावजूद बड़ी तादाद में हाजी हीट स्ट्रोक का शिकार हुए। हज यात्रा के दौरान भारत के कम से कम 98 और पाकिस्तान के 35 हज यात्रियों की मौत हुई। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।